نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة النساء آية نمبر 32 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना मत करो जो कुछ मर्दों ने कमाया उसके मुताबिक उनका हिस्सा है और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा हाँ अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है अब यहाँ जो बात आ रही है इक कमाने की मुराद यहाँ पर आमाल की कमाई यहाँ दुनियावी कमाई की बात नहीं की जा रही और फजल कोई दुनियावी फजीलत कोई दुनियावी हैसियत आमतौर पर आप कुरान में देखेंगी कि जब लफ्ज फजल आता है वो दुनियावी मामला के हिसाब से भी आता है अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो यानी दुनिया मांगो तुम कोई गरज नहीं अल्लाह ने मना नहीं किया तुमसे कि तुम, तुम दुनिया मांगो हदीस में आता है अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूटता है तो तुम दुआ मांगो जरूर अपनी जायज ख्वाहिशात के लिए अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह दुनिया में मुझको तो ये सब कुछ दे दे जरूर जरूर मांगिए कोई ईमान के मुनाफी नहीं इंसान क्यों अपनी जान को बिला वजह दिक्कत में डालना चाहे हम चाहते तो नहीं लेकिन हाँ ये है कि जब अल्लाह ताला हमको हमारी पसंद की चीज नहीं देता तो हम सबर कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जहां कसब का मतलब है कसब होता है आमाल की कमाई आखिरत तो अब यहां पर दो मैदान हैं जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है लफ्ज फजल से और लफ्ज कसब से और पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी कि कंपटीशन के और खुद को दूसरों से कंपेयर करने के अपना दूसरों से मुकाबला करने के दो मैदान हैं एक दुनिया और दूसरा आखिरत जहां तक दुनिया का ताल्लुक है इसकी तमन्ना की जा सकती है लेकिन इसी को कंपटीशन का मैदान कबूल कर लेना अपने लिए पसंद कर लेना अपने लिए सेलेक्ट कर लेना कि जो कंपटीशन हम करेंगे उस दुनिया के मैदान ही में करेंगे ये ज्यादा अकलमंदी नहीं है यहां मुकाबला करना बेकार है सच्ची बात है देखिये जरा दुनिया पर एक नजर आप डालें कुछ लोगों को पैदाइशी सबकत हासिल है दुनिया में उनको तो बाय बर्थ एक हेड स्टार्ट मिला हुआ है दुनिया में जिसको हम कहें कि द डाइस इज लोडेड जिसको हम कहें कि एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं किस्मत उनकी ऐसी होती है कि मट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बन जाए किसी को तरक्की के मौके मिलते ही चले जाते हैं जितनी मेहनत करते हैं उसका भरपूर से लाभ पाते हैं बल्कि बाज दफा बहुत थोड़ी मेहनत करके बहुत सारी दुनिया उनको मिल जाती है और ये भी होता है कि बगैर मेहनत के मिल गई हाथ पाओ भी नहीं हिलाए और दुनिया की शोहरत दुनिया की कामयाबियां दुनिया के खजाने दुनिया की दौलत उनके कदम चूमती रहती है उसके बरक्स कुछ लोग सर तोड़ कोशिश करते हैं लेकिन हर तरफ तरक्की के रास्ते बंद मिलते हैं उनको भरपूर मेहनत करते हैं अपनी मेहनत का उनको एक चौथाई भी नहीं मिलता दुनिया में मौाक़े नहीं मिलते तरक्की के मौके नहीं मिलते डेड एंड पर ही पहुंचते हैं अब इससे हसरतें और महरूमियां दिलों में पैदा होती हैं अपनी शख्सियत मस्क होने लगती है जो नेमत अपने पास होती है वो भी नजरों में अच्छी नहीं लगती अभी हम किन का जिक्र कर रहे हैं उन लोगों का के जिनको उनकी मर्जी के मुताबिक दुनिया नहीं मिली होती जिनको अपनी कोशिशों मेहनतों का फल यहां नहीं मिला होता हो सकता है उनकी शख्सियत के अंदर डिस्ट्रॉशन आने लग जाए अपनी नेमतें जो अपने पास हों वो भी ना अच्छी लगें इससे बढ़कर फिर जो रिएक्शन और रद्द अमल दफ़ा इंसान में पैदा होता है वो ये कि नेमत वाले शख्स के खिलाफ गुस्सा नफरत हसद एंगर रिजेंटमेंट जेलेसी पैदा होने लगती है हालांकि देखें ये सूरत हाल जो है वो नेमत वाले की बनाई हुई तो नहीं है उसने तो खुद को नहीं नवाजा उसने दूसरों को महरूम तो नहीं किया किसी का हिस्सा तो नहीं ले लिया मिसाल के तौर पे, एक शख्स आंखों वाला है एक अंधा है अब अगर कोई अंधा है तो इसमें आंखों वालों का क्या कसूर उसकी आंख लेकर तो अपनी नहीं लगा ली उसने एक शख्स जीनियस है एक शख्स पागल है तो जीनियस का क्या कसूर जीनियस ने उस पागल के हिस्से की अक्ल तो नहीं ले ली तो इस पर ना जीनियस पर इल्जाम आता है और ना ही अकल वाले पर इल्जाम आता है ना ही आंखों वाले पर एक शख्स गरीब है एक दौलत वाला है तो दौलत वाले ने गरीब का हिस्सा तो नहीं चुराया लेकिन गरीबों को गुस्सा आता है अमीरों के ऊपर हो सकता है कि कम शक्ल जिसकी है उसको ज्यादा अच्छी शक्ल वाले पर गुस्सा आए या हसद पैदा हो इस किस्म की जहनी बीमारियों का इलाज है जो यहां बताया गया इसका इलाज कर दिया इस्लाम ने इस्लाम ने इन इक्वालिटी का इस डिस्क्रेपेंसी का इलाज बता दिया फरमाया इन बातों को इग्नोर कर दो नजरअंदाज कर दो जिसके पास है वो तो कहे हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं अपनी दौलत अपनी अकल अपनी शक्ल जिसके पास नहीं है उसके लिए बड़ा मुश्किल है कबूल करना वो कहे मैं क्यों कबूल करूं ये इन ये जुल्म ये ना इंसाफी ये जाती मैं क्यों कबूल करूं मैं अपनी महरूमी को क्यों कबूल करूं गुस्सा आ सकता है उसको तो कुरान ने बताया भी है वजह भी बताई है एक्सप्लेन भी किया है क्यों करो अपने आप को अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट क्यों करो अगर तुमने ये ख्याल किया कि जो कुछ है बस यही दुनिया की जिंदगी है तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ में रखोगे और वाकई जो शख्स ये समझता है कि बस यही जिंदगी है जो कि दुनिया में हम गुजार रहे हैं वो महरूम रह जाने पर अगर जलेगा कुड़ेगा नहीं शिकायतें नहीं करेगा तो और क्या करेगा वो तो यही करेगा और शिकायतें करने से और जलने कुड़ने से महरूमियां कम तो नहीं हो जाती बल्कि तलखी में कड़वाहट में इजाफा ही होता है छोटी सी मिसाल आप अभी ही की समझ लीजिए इस वक्त जैसे लाइट नहीं है गर्मी हो रही है अब एक महरूमी तो है अब इस महरूमी को हैंडल करने के दो तरीके हैं या तो ये हम करना शुरू करें कि क्यों लाइट नहीं है और फिर हम इसी पर डिस्कशन शुरू कर दें रफ्ता रफ्तार आप देखिएगा आपके जज्बात के अंदर कैसा और उबाल आना शुरू होगा और कितना ज्यादा गुस्सा आना शुरू होगा और फिर बात निकल कर पाकिस्तान पर और मुसलमानों पर और कहां से लेकर कहां तक चली जाएगी हो सकता है कुछ लोग ये फैसला कर लें कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे अच्छा खासा अमेरिकन पासपोर्ट है हमारा हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर मिसाल दे रही हूं ना ये भी हो सकता है अब दूसरा क्या है कि जो महरूमी है जो हमारे हिस्से में आ गई है इस वक्त इसको हम कबूल कर लें मिना अल्लाह समझ के अल्लाह की तरफ से है और चूंकि हमारा आखिरत पर यकीन है तो इंसान अपने आप को यह तसल्ली दे लेता है कि जो मैंने सबर किया मेरा रब मुझको उसका अजर देगा जरूर ही इसका अजर ज्यादा है अल्लाह के यहां इसलिए कि मैं ज्यादा मुश्किल में बैठकर एक काम कर रही हूं जब मुश्किल का लेवल बढ़ जाता है नेकी का अजर बढ़ जाता है कोई शक नहीं इसके अंदर हम सब आजाद खातीन है यहां पर हम में से जिसका जी चाहे उठकर कमरे से बाहर जा सकता है नहीं जा सकते हम बताइए कौन आपको रोकेगा कोई नहीं रोक सकता और अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है आप बहुत अच्छे पैसे वाले घरानों से आ रही हूं आपके अपने घरों के अंदर एसी लगे हुए हों आप गाड़ी में बैठिए आप अपने घर जाकर ठंडे ठंडे बैठ जाइए तकलीफ दूर कर सकती हैं किस चीज ने आपको यहाँ रोका हुआ है ये सिर्फ आखिरत की यकीन ने आपको रोका है अल्लाह की मोहब्बत ने रोका है और अल्लाह बेहद कदरदान है अल्लाह अपने से मोहब्बत करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है तो इसमें होता क्या है कि हम कहते हैं ना इंग्लिश में माइंड ओवर बॉडी जब इंसान का एटीट्यूड जहनी रवैया उसका जब मुस्बत होता है पॉजिटिव होता है तो जो मादी तकलीफे और जो कुछ महरूमियां जिंदगी में होती हैं, कोई कमी आ जाती है तो उस पर काबू पाना आसान हो जाता है अगर जिसम या हमारा मादी वजूद कुछ तकलीफ महसूस कर भी रहा होता है हमारी रूह हमारा जहन हमारा ईमान उस तकलीफ को कम कर देता है काबिल बर्दाश्त बना देता है किस तरह से सिले की उम्मीद दिलाकर कि आखिरत आएगी तो अल्लाह इसका सिला देगा हो नहीं सकता कि अल्लाह को पता ना हो कि हम उसकी मोहब्बत में कोई तकलीफ यहां उठा रहे हैं बैठ के खूब पता है अल्लाह को और जब एक आंसू नहीं अल्लाह जाया करता तो जो पसीना आता है अल्लाह की राह में क्या अल्लाह जाया करेगा क्या उस सबर को अल्लाह जाया करेगा कभी नहीं करेगा जो ये समझते हैं कि बस दुनिया ही दुनिया की जिंदगी है वो ना मिलने पर जलता है कुड़ता है शिकायतें करता है और शिकायतें करने से ना तकलीफ दूर होती है ना महरूमियां कम होती हैं बल्कि गुस्से में तलखी में कड़वाहट में मिजाज के बिगड़ने ही में इजाफा होता चला जाता है और ये मिजाज का बिगड़ना ये जहनी तकलीफ के अंदर अपने आप को रखना फिर जिसमानी बीमारियों की शक्ल में भी जाहिर होता है और वो ये सोचते हैं कि हम बहुत मजलूम हैं लेकिन जिसने कुरान खोलकर पढ़ लिया या कुरान सुन लिया वह पुरसकून और मुतमयन हो जाता है महरूमियों पर मुश्किल पर सब्र करने वाला होता है वो सोचता है ठंडे दिल ठंडे दिमाग से इसलिए कि उसका दिल दिमाग उसकी रूह तो मोत्तर होती है ना अल्लाह की खुशबू में बसी हुई होती है आखिरत के यकीन पर उसका दिल ठुका हुआ होता है आखिरत है वो कहता है बहुत आराम से हल्का फुल्का कि क्या हुआ यहाँ नहीं मिला रहना कितने दिन है यहाँ पर आरजी है टेम्प्ररी घर है जो मेरा यहां पर है शेल्टर अकोमोडेशन जैसे होते हैं कितने दिन रहना है जहां हमेशा रहना है वहां के लिए भाग दौड़ करनी चाहिए मुझे उसको एक और मैदान नजर आया कंपटीशन का वो वहां पे कम्पीट करता है और यह है आखिरत हासिल करने का मैदान हाँ जब इस मैदान को हम देखते हैं दुनिया के मुकाबले में आखिरत का मैदान यहां मुकम्मल मसावत है मुकम्मल इक्वालिटी है अंधा हो या आंखों वाला हो गरीब हो या अमीर हो कम अकल हो या अकलमंद हो खूबसूरत हो या बदसूरत हो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा कोई भी हो आखरत हासिल करने में कोई चीज रुकावट नहीं है द डाइस इज नॉट लोडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी है नेक अमल कमाना अमीर गरीब सबके लिए एक जैसा मुमकिन है हम कहते हैं ना लेवल प्ले ग्राउंड है लेवल फील्ड है खूबसूरत होना या बदसूरत होना यह तो अपने इख्तियार में नहीं है अपनी शक्ल अच्छी या बुरी कर लेना अपने अख्तियार में नहीं है लेकिन आमाल अच्छे बुरे कर लेना आमाल खूबसूरत या बदसूरत कर लेना ये तो बिल्कुल अपने अख्तियार में है सौ फीसद इंसान के अपने अख्तियार में है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बेशक अल्लाह नहीं देखता तुम्हारी सूरतों की तरफ और तुम्हारे मालों की तरफ बताइए क्यूँ नहीं देखता अल्लाह क्यों नहीं इम्प्रेस होता हम तो देखते ही सिर्फ ये हैं सूरतें और माल तो अल्लाह क्यों नहीं इम्प्रेस होता अल्लाह ही ने तो दिया है अल्लाह से क्या इंप्रेस होगा आपकी मुलाजिमा है आपका नौकर है आपने उसको जोड़ा दिया तो वो आप क्या इंप्रेस होंगे आप ही ने तो दिया है अगर वो जोड़ा पहन के आपके सामने आता है तो आप तो मुतासर नहीं होंगे आपका नौकर है आप किस चीज से खुश होते हैं किस चीज से मुतासर होते हैं उसके काम से मुतासर होते हैं काम कितना अच्छा कर रहे हैं इससे होते हैं। तो मोहब्बत अगर हमें होती है हमें कोई अच्छा लगता है इसलिए नहीं कि उसने क्या पहना है बल्कि इसलिए कि वो काम कितना अच्छा करता है कितना वफादार है कितना फरमाबरदार है ये बात हमको उससे मोहब्बत करने पर मजबूर करती है इस वजह से हमको अपना नौकर अच्छा लगता है तो यही बात फरमाई कि अल्लाह तुम्हारे मालों तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता वाला की अंदरोंब कु बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है तो नेकियों का बैंक बैलेंस जितना चाहो बढ़ा लो इक्वल अपॉरचुनिटी है बराबर का मौका है हाँ अगर दुनिया की नेमतें चाहते हो इसमें भी हरज कोई नहीं है मना नहीं किया अल्लाह ने अल्लाह से उसका फजल मांगो बस अल्लाह मिन फगल ही अल्लाह से मांगो उसका फजल सबसे बड़ा फजल सबसे बड़ा फजल जो अल्लाह किसी पर करे वो ये है कि जो कुछ अल्लाह ने मुझको दिया है मैं उस पर काने हो जाऊं कंटेंट हो जाऊं मुतम हो जाऊं इतना बड़ा फजल है जैसे कि हदीस में आता है कि अलगना गिन गनी कौन है जिसका दिल गनी हो जाए जो मेरे पास है बस वही सबसे अच्छा है अगर इंसान ये सोच ले इससे बढ़कर अमीरी और दुनिया की कोई नहीं है इससे बढ़कर खुशी दुनिया की कोई नहीं है चार जोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसान कहे बहुत है कितना खुश है आने हैं ना कंटेंट है चार सौ जोड़े हैं और अलमारी खोलकर देखा और कहा कुछ नहीं है पहनने को इससे बढ़कर फकीरी क्या है इससे बढ़कर महरूमी क्या है तो अलगना गिना नफ्स गिना तो दिल का गिना होता है दिल को इंसान जो है वो गनी कर ले किसी दूसरे को देखकर हसद की आग नहीं भड़कती इंसान के दिल में जो मेरा चैन और सुकून बर्बाद कर दे अगर कनात है तो झोपड़ी भी जन्नत है कनात नहीं तो महल भी काट खाने को दौड़ेगा हर वक्त इंसान दूसरों की चीज पर नजर रखे और खुद पर तरस खाता रहे हाय मेरे पास ये नहीं हाय मेरे पास वो नहीं क्या फायदा होगा हसरत करने से चीज मिल तो नहीं जाएगी जो चीज अपने बस में नहीं उसके बारे में सोचकर क्यों वक्त जाया किया जाए और दूसरी चीज जो फरमाई वाला तमन्न भी अला मत तमन्ना करो उस फजल की जो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर दिया है उस फजीलत की तमन्ना मत करो जो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर दी है इसको एक मिसाल से अगर हम समझें आपने किसी को एक बहुत खूबसूरत सुर्ख रंग का जोड़ा पहने हुए देखा अब वो रंग जो है वो उस पर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत उठ रहा है आपने कहा इतना खूबसूरत रंग है इस पर इतना अच्छा लग रहा है चलो मैं भी सुर्ख रंग का जोड़ा बना लू अपने लिए आपने बना लिया और आप पे हो हो सकता है सूट ना करता रेड कलर तो आपने दूसरे को देख तमन्ना की और आपने चाहा कि मुझको यही चीज मिले लेकिन जब आपको मिली तो आप पर ना जची आप पर ना अच्छी लगी बासा हम दूसरे की नेमत देख तमन्ना करते हैं काश मेरे पास होती और अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दी अल्लाह ने रहम किया फजल किया नहीं दी हो सकता है मेरे पास होती मैं संभाल ना पाती मैं हक अदा ना कर पाती मुझ पर जचती ना मैं बदनुमा भद्दी हो जाती उसकी वजह से या वो चीज उसके लिए नेमत है मेरे लिए हो सकता है मुसीबत बन जाती हो सकता है मेरे लिए वो एक आखिरत में मुश्किल बन जाती तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम तमन्ना मत करो तमन्ना से मतलब यहां दुआ नहीं है मतलब है कि तुम हसरतें मत करो और अल्लाह अगर ना दे तो नाराज मत हो इब्बास रदुमा फरमाते हैं कोई मर्द ये ना कहे काश फला औरत मेरी बीवी होती ये दरअसल चूंकि बात यहाँ चल रही है ना शौहर और बीवी की तो इस कॉन्टेक्सट में ये आया था ये स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्टेक्सट है जिसकी तरफ अब हम आ रहे हैं यानी कोई ये तमन्ना ना करे औरत के काश में मर्द होती या कोई मर्द ये तमन्ना ना करे काश में औरत होता या जैसे इबन अब्बास का कौल आपको सुनाया कोई मर्द ये ना कहे कि काश फला औरत मेरी बीवी होती और इसको फिर दूसरी तरफ ले जाइए कि कोई औरत ही तमन्ना ना करे कि काश फला शख्स मेरा शौहर होता हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेंस किसी और की घास ज्यादा खूबसूरत लगती है उसकी ज्यादा अच्छी है ये ख्याल आता है इसको तो रहने दें अखबार की मिसाल ले लें अगर आपके शौहर अखबार पढ़ रहे हैं लगता है कि आज से ज्यादा दिलचस्प अखबार तो आया ही नहीं और बस नहीं चल रहा होता कब ये रखें तो मैं उठाकर पढ़ना शुरू करूं अखबार भी जब दूसरों के हाथ में होता है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है अपने हाथ में हम कहते हैं ही है नहीं कुछ इसके अंदर आज मूड खराब हो गया मेरा पढ़ के इतने कत्ल हो गए इतनी जगह लाइट चली गई वहां बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया तो छोटी छोटी चीजें हैं ना दूसरों के पास होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं अपने पास जो चीज होती है उसकी वैल्यू नहीं लगती थोड़ा सा पस इस आयत का यह है कि बाज खवत ने यह तमन्ना की कि काश हम मर्द होते तो मर्दों की तरह जिहाद में हिस्सा लेते एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मर्द को मीरास में दुगना मिलता है और औरत की गवाही मर्द से आधी है तो क्या इबादात और अमाल में भी हमको निस्त मिलेगा आप उनकी प्रायोरिटीज देखें उन खुतिन की तरजीहत देखें जो नबी अक्रम सल्ला के जमाने में थी उनको गुस्सा इस बात पर नहीं है कि दुनिया में इक्वालिटी हमें क्यों नहीं दी गई उन्हें फिक्र इस बात की पड़ी कि आखिरत में भी क्या हमारे साथ ये मामला होगा टोटल फोकस औरतों का आखिरत क्यों पर था मर्दों का आखिरत पर था उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिरत में भी हमें आधा अजर मिले इस आयत में उन शुबहत का जवाब आ गया कि जो फजीलतें मर्दों को मिली है उसी के मुताबिक उनका हिसाब होगा और जो नेमतें औरतों को मिली हैं उसके मुताबिक उनका हिसाब किताब होगा अल्लाह से फजल मांगते रहो अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है शयिन अलीमन अल्लाह ने अपने इल्म के बिना पर फजीलतों की तकसीम की है और हर फजीलत नियमत होती है हर नियमत जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी के बारे में तो पूछा जाता है तो जिसको अल्लाह ने जितनी ज्यादा जिम्मेदारी दी है आखिरत में उसको उतना ही अपना हिसाब देना होगा तो ये फ्री नहीं है यहाँ पर कि बस मुफ्त की बात है इसको इतना दे दिया उसको इतना दे दिया और अंधेर नगरी चौपट राज ऐसा नहीं है अल्लाह ने जितना दिया अपने इल्म के हिसाब से दिया कौन कितनी जिम्मेदारी उठा सकता है उस हिसाब से दिया हदीस में आता है शकवाक उजाल औरतें जो हैं वो मर्दों की बहनें हैं तो इंसानियत के रिश्ते से तो सब जुड़े हुए हैं इंसानियत के लेवल पे तो सब बराबर हैं तशक्ष, अखलाकी लेवल ईमानी सतह उनकी ईमानी तशखस अखलाकी तशखस इंसानी तशस इसमें तो बिल्कुल बराबर हैं औरतें और मर्द हाँ दुनिया में इंतजाम चलाने के लिए बाज़ रिश्तों में अल्लाह ताला ने औरत को फजीलत दी और बाद रिश्तों में अल्लाह ने मर्द को फजीलत दी और चूंकि यहाँ जिक्र चल रहा है घर के इदारे का शौहर का और बीवी का तो इसमें बता दिया कि शौहर को बीवी के ऊपर फजीलत हासिल है एक दर्जा हासिल है तो यहां से वो चीज जो है वो शुरू कर दी गई है ताकि जहनी तौर पे लोग तैयार होना शुरू हो जाएं, खुवा भी तैयार हो जाएं। और चूंकि पहले अभी जिक्र गुजर चुका है विरासत के मामला का उसमें बेटी का एक हिस्सा था और बेटे के दो हिस्से थे उसके बारे में भी बात फरमा दी गई आई थर्टी थ्री में वली कुलनालोन वल्लीना अकदत अमानी और हमने हर उस तरह के हकदार मुकर कर दिए हैं जो वालदेन और रिश्तेदार छोड़े अब रहे वो लोग जिनसे तुम्हारे ऐहद और पैमान हों तो उनका हिस्सा उन्हें दे दो यकिन अल्लाह हर चीज पर निगरान है मवाली मौला की जमा है मौला के लफ्ज को समझिए एक लफ्ज हम मौला पढ़ेंगे एक लफ्ज हम वली पढ़ते हैं वली और मौला मिलते जुलते अल्फाज हैं कई मतलब हैं इसके बड़े वसी मायने हैं, वास्ट मीनिंग्स हैं। जो बुनियाद है वली या मौला की वो कुर्बत है दो चीजों में ऐसा ताल्लुक जिसमें के अजनबीयत ना हो स्ट्रेंजर्स ना हो क्लोजनेस हो आजाद करने वाला आका और आजाद शुदा गुलाम दोनों को मवाली कहा जाता है मौला जिसने आजाद किया वो भी मौला होता है और जो आजाद हुआ वो भी मौला कहलाता है चचा का बेटा मौला कहलाता है दीन का लीडर हम नबी अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं ना मौलाना मौलाना क्या है मौला के हमारे दीनी रहनुमा है ना जमीर आ गई हमारे मौला हैं ये हम कहते हैं मौलाना फला तो ये क्या मतलब है कि दीन के रहनुमा, रहनुमाओं के लिए दीनी लीडर्स के लिए भी मौला का लफ्ज इस्तेमाल होता है दोस्त उसके लिए भी ये लफ्ज आता है अल्लाह मोमिनों का वली है यहां मुराद है विरासत के हकदार मवाली जो जिक्र किया गया विरासत के हकदार वो कौन है जुल्फुरूस जिनके के हिस्से हैं परमानेंट इनहेरिटर्स जो होते हैं और उसबा उसबा का भी जिक्र है तो फरमाया कि जिन लोगों से तुमने कोई माह किया हो, होदान किया हो यानी गैर वारिस वो जो तुम्हारे वारिस तो नहीं है तुमको हक है कि तुम उनके हक में कुछ वसीयत कर सकते हो और अल्लाह हर चीज पर निगहबान है निगरान है आयत नंबर थर्टी फोर फरमाया على على بما बिमा मर्द औरतों पर क़वाम है इस बिना पर के अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इस बिना पर के मर्द अपने माल खर्च करते हैं क़वाम समझिए कैम की जमा है कयम अरबी जबान में उस शख्स को कहा जाता है जो किसी काम या निज़ाम का जिम्मेदार हो जो रिस्पॉन्सिबल हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कोई काम वो करने का जिम्मेदार हो वो कवाम होता है फाल के वजन पर यह मुबालगे का सीका है फआल के वजन पर कवाम और क्यों बनाया अल्लाह ने कवाम मर्दों को दो वजूहत बता दी गई एक के अल्लाह की दी हुई फजीलत है बात तो यही खत्म हो गई अल्लाह तला ने ये फजीलत दी है मर्दों को अल्लाह तला ने उनको अवम बनाया अब इसने जो अल्लाह को खालिक मानता है जो अल्लाह को मालिक मानता है रहमान अल अजीज अर रहीम अलीम जो अल्लाह को मानता है पूरा भरोसा पूरा एतमाद पूरा ट्रस्ट उसका अपने पालने वाले पर होगा कि अच्छा अल्लाह ये बात कह रहा है अल्लाह ने ये फैसला फरमाया है तो ठीक फरमाया होगा मेरे रब ने यह फैसला किया तो यकीन ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त होगा अल्लाह जानता है हम नहीं जानते अल्लाह ने फरमाया है अलामू वन तुम लाता अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते सवाल भी हमसे पूछा गया था सूर्य बकरा में अं तुम आरल अमिल्ला तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह तो कौन है जो कहेगा हम ज्यादा जानते हैं हो सकता है कि मेरी समझ में ये तकसीम ना आ रही हो हो सकता है कि मेरी पसंद की ये तकसीम ना हो लेकिन अल्लाह जानने वाला है वल्लाह आलम, उसने ये फैसला किया तो दुरुस्त होगा जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है इदारा बनाया जाता है उसमें मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ओहदे दिए जाते हैं दुनिया में तो सिफारिशें चलती हैं ना अहल लोगों को दे दिए जाते हैं अल्लाह तला के यहां सफारिश नहीं चलती अल्लाह सलाहियत देख कर सलाहियत भी किसने रखी उसने खुद रखी जो सलाहियतें जो पोटेंशियल टैलेंट जो पोटेंशियल कैपेबिलिटीज, जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने जिसमें रखी हैं वो खुद जानता है उसी ने रखी हैं और जो सलाहियत दी है उसके हिसाब से उसने मकाम भी दिया है जिम्मेदारी भी दी है उसी हिसाब से उसने मर्द की जिम्मेदारियां बता दीं औरत की जिम्मेदारियां बता दी दुनिया में भी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी होती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट सलाहियत के हिसाब से दी जाती है लोगों को और ये मालिक की मर्जी होती है कि वो क्या पोस्ट किसको दे इल्म वाला होगा विजडम वाला मालिक होगा तो सही इंसान का इंतखाब करके सही पोस्ट सही उहदा उसको देगा जैसे दुनिया में ये निजाम चलते हैं बिल्कुल इसी तरह घर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिट है और इस ऑर्गेनाइजेशन का इस यूनिट का सरबराह अल्लाह ने मर्द को बनाया अल्लाह ने मर्दों में जिस्मानी ताकत और क़वत फैसला औरतों की बनिस्बत ज्यादा रखी है जिस्मानी ताकत है कोई शक नहीं इसके अंदर आज बहुत जोर व शोर से हम इक्वालिटी का नारा सुनते हैं कि मर्दों और, और औरतों की इक्वालिटी होनी चाहिए इक्वालिटी की बात लगती बहुत अच्छी है दिल को अपील बहुत करती है लेकिन अगर आप देखें हकीकत में तो ये एक बिल्कुल खोखला नारा है इट्स अ हॉलो स्लोगन हो नहीं सकता इम्प्रैक्टिकल बात है किस तरह इक्वालिटी की बात तो उन्होंने कर ली लेकिन जो स्पोर्ट्स होते हैं चाहे विंबलडन हो चाहे वो ओलंपिक्स होते हैं कहीं भी आप देख लें वुमेन स्पोर्ट्स अलग होते हैं मेन स्पोर्ट्स अलग होते हैं तो वहां इक्वालिटी कर सकते हैं क्या क्यों नहीं करते उन्हीं की तरफ से तो उठा है नारा जिसने हम मुसलमानों को मरूब कर दिया है और अपने दीन से बदजन कर दिया है मुसलमान खुवान को तो मुसलमान खवातन जब कुरान पढ़ लेती हैं तो जब वो उनके इन नारों को देखती हैं तो कहती हैं उनके यहां जबरदस्त हिपोक्रेसी पाई जाती है हिपोक्रेसी उनके यहां है कहां है क्वालिटी उनके यहां कोई नहीं है उनके यहां स्पोर्ट्स अलग होते हैं अगर विंबलडन की आप रेटिंग्स देखें तो जो उनका टॉप सीट प्लेयर होता है मर्द और जो टॉप सीट प्लेयर होती है औरत उसमें किस कदर फर्क होता है सौ दर्जों का तकरीबन फर्क होता है तकरीबन सौ दर्जों का कि जो उनका हंड्रेड सीट टेनिस प्लेयर है वो उनकी टॉप सीट वुमेन प्लेयर को हरा दे तो वो तो सौ दर्जों का फर्क है अल्लाह ने तो फिर भी एक दर्जे की बात की अ रिजाल दराजा और वो भी एक खास कैपेसिटी के अंदर वो है शौहर और बीवी के ताल्लुका के अंदर बराबरी नहीं है और कहा बराबरी है लिबास में देख लीजिए क्या बराबर कर दिया मर्दों को और औरतों और को लिबास में क्या किया उन्होंने कि औरतों को तो मर्द वाला लिबास पहना दिया लेकिन क्या मर्दों को औरतों वाला लिबास पहनाया आप कहीं जा रही हैं? आप देखें एक खातून है वो बहुत टाइट पैंट या जो भी कुछ है मर्दों जैसा लिबास पहनकर जा रही हैं कहते हैं वाओ थरा प्रोफेशनल क्या जबरदस्त प्रोफेशनल लग रही है और आप किसी मर्द को देखें वो मिनी स्कर्ट पहने चला जा रहा है आप उसको कहेंगी कि कितना थरा प्रोफेशनल है देखो या हॉल्टर पहन के चल पड़ा क्या लगेगा आपको आप कहेंगे कि क्या बन गया है ये है इक्वालिटी उन्होंने कहा कि ठीक है मर्दों के बराबर होनी चाहिए औरतें फिर इसी बात को ले आइए मर्द भी कहें जब भाई औरतें मर्द के बराबर हैं तो मर्द भी तो औरतों के बराबर हुए ना दोनों ही बराबर हो गए अब आप देखे एक औरत है मेकअप किए बैठी है बहुत अच्छी लग रही है अब आप देखे एक मर्द है वो लिपस्टिक लगा के और मस्कारा लगा कर और वो झुमके पहनकर बैठा है अच्छा लगेगा इक्वालिटी है क्या किया इक्वालिटी में उसने अपना हाल खराब कर लिया ना उसने तमाशा बना दिया अपना उस मर्द ने इसी तरह जब औरत मर्द बनना चाहती है अपना हाल खराब करती है अपना तमाशा बनाती है कोई ऑनर नहीं अपने जहन से स्क्रैप कीजिए इन चीजों को इन चीजों को मिटा दीजिए ये क्वालिटी नहीं हो सकती इम्पॉसिबल है सिर्फ ये है कि जब उन्होंने औरत को मर्द बनाना चाह औरत को उसका मकाम ना मिला उसकी शनाख्त मिट गई एक तमाशा बन गई